नमस्कार, मैं नवीन राजवाल, खबर 24 न्यूज में आपका स्वागत है। दिखाते हैं खबर विस्तार से। ब्लॉक कांग्रेस भवन में इंडिया ब्लॉक कांग्रेस डग द्वारा आज पूर्व विधायक मदन लाल वर्मा के नेतृत्व में ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष रोहण सिंह परमार, नरेंद्र सिंह परिहार, नगर कांग्रेस अध्यक्ष कालूलाल सालेचा ने कोटा प्रवास पर आए प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भवन मंडी को जिला बनाने के लिए एक पत्र सौंपा। पूर्व विधायक मदन लाल वर्मा ने मुख्यमंत्री को निम्न बिंदुओं के आधार पर भवन मंडी को जिला बनाने की आम जनता की मांग को देखते हुए अनुरोध किया। ये जानकारी ब्लॉक कांग्रेस प्रवक्ता अख्तर अली ने दी। इस मौके पर उपस्थित भवानी मंडी नगर पालिका अध्यक्ष कैलाश बोरा, जन अभाव अभियोग सदस्य राजेश करावन, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष नारायण सिंह चौहान, पूर्व विधायक स्नेहलता आर्य, पार्षद विनय आस्तुलिया, हकीम खान, पार्षद प्रदेश सचिव कांग्रेस सेवादल अख्तर अली, कांग्रेस नेता डॉक्टर मुकेश जैन, नगर उपाध्यक्ष जैन सिंह सिसोदिया, कृपाल सिंह, महिला ब्लॉक अध्यक्ष कैलाश कंवर चौहान, चेतराज गहलोत, डॉक्टर अहफाज खान, पार्षद वीणा मेहरा, प्रफुल्ल शर्मा, भवन मंडी के कई कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे। ये हमारे साथ विधानसभा के पूर्व विधायक और जिला अध्यक्ष वर्तमान में जो पहले थे मदन लाल जी वर्मा, हम बात करेंगे। जिस तरह से कांग्रेस का सम्मेलन में आज जिला बनाने को लेकर मुख्यमंत्री जी को एक आवेदन दिया सर आपके माध्यम से, किस तरह का सर सोच है? जैसे 10 जिले नए बनने और जा रहे हैं ये हमें पता चला है, 19 जिले, 3 संभाग, एक नई सौगात जो है राजस्थान में दी है, यानी कि 50 से जिले जो है वो ज्यादा हो गए तो 10 संभाग होने वाले हैं। ऐसे में भवानी मंडी अब तक अछूता है, आज फिर से शुरुआत की है सर, कैसा लग रहा है? मतलब होगा, जिला बनेगा हमारा? जी सर, देखो हमारे मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत साहब बहुत पॉजिटिव आदमी है जी, और उनका सोच जो है निश्चित पॉजिटिव है, और हमने उसको उनको जो है जो निवेदन किया जी, वो इस बात के लिए कि भाई कम से कम जो है भवानी मंडी एक व्यापारिक मंडी है और डग विधानसभा का आखिरी कोना 145 किलोमीटर से जल अबाउट मरीजों को जाने में, कोर्ट में जाने वालों को काफी परेशानी आती है जी, और प्रशासनिक व्यवस्था भी सुदृढ़ हो वो उसके लिए जो है भवानी मंडी का जिला बनना थी आवश्यक है। भवानी मंडी के जिले बनने से जो है आसपास की 5 तहसीलें प्रभावित होती है कि भाई डग, पचपाड़, गंगधार, पिड़ावा, सुनेल, ये 5 तहसीलें के काजकार और वहाँ के मरीज, वहाँ के काफी लोग जो है आवश्यक काम के लिए झालावाड़ जिले मुख्यालय में दूर नहीं जा पाते और यहाँ आने से जो है, तो ये चीज हमने मुख्यमंत्री जी लिख के दी है जी। अब वो इसका एग्जामिन कराएंगे, इसमें जो है वो कोशिश हमारा प्रयास यही है कम से कम भवानी मंडी जिला बने ताकि यहाँ के लोगों को जो है दूरस्थ अंचल जाने से छुटकारा मिले। एमएलए साहब, एक 2014-16 में एक परिसमन बना के एक यहाँ से स्वीकृति जारी की थी, पूरा परिसमन बना के पहुंचाया भी गया था, आपको जानकारी में होगा। वर्तमान में जब उस समय कमल सिंह यादव एसडीएम थे, पूरा प्लेटफॉर्म तैयार किया गया था, आपको जानकारी में था। उस समय भी अगर चाहते तो 19 जिलों में अपना भवानी मंडी बन सकता था एमएलए साहब। हाँ, वो सारी चीजें हैं। अब उसमें क्या होता है कि वकालत करने वाला जो होता है ना हमारा विधायक जी, आज विधायक का होना बहुत जरूरी होता है। सत्ता का अगर विधायक अगर वकालत करने वाला मजबूती समझ गया आपकी बात। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या लगता है आने वाले विधानसभा सत्र भी शुरू होने वाला है, तो हम उम्मीद करें कि भवानी मंडी को एक नई सौगात के रूप में, जिले के रूप में मिले? देखो सब ये प्रयास तो है, आगे जो है मुख्यमंत्री जी का जो है कितना वो हमारे ऊपर ये करते हैं जी, उनके ऊपर जी। ये थे पूर्व विधायक मदन लाल जी वर्मा हमारे साथ, जिन्होंने जिला बनाने को लेकर हमसे बात की। और अभी जो आज जो अधिवेशन सम्मेलन जो था, उस सम्मेलन के अंदर जिस तरह से गहलोत साहब ने, हाँ जी जी, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ मकवाना जी, जी। मकवाना जी, इसमें हमारे दोनों ब्लॉक अध्यक्षों ने भी लिख के दिया, नगर पालिका ने पूरा प्रस्ताव दिया, नगर पालिका ने, नगर अध्यक्ष कालूलाल सालेचा ने जो इसमें है उन्होंने लिख के दिया जी। इसे करके हमारे सभी जो हमारे जनप्रतिनिधि और संगठन के लोग वहाँ गए, हमारे जो नेता है जनप्रतिनिधि, उन सब ने भी इसमें साथ साथ उनके भी सबके लेटर हैं। बिल्कुल, सब लोगों ने जो है सामूहिक रूप से हमने सबके पत्र दिए। बिल्कुल बिल्कुल। एक सवाल है एमएलए साहब, जिस तरह से जन कल्याण योजना जो है राजस्थान में लगातार एक के बाद आम जनता के लिए सौगातें दी जा रही है, विधानसभा चुनाव नवंबर में इसकी शुरुआत हो जाएगी, और एक तरफ बीजेपी में प्रतिपक्ष का नेता जो कल चुना जाएगा और सीपी जोशी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है,
तो क्या लगता है बीजेपी की नई रणनीति जो है वो नुकसान पहुंचा सकती है कांग्रेस को? नहीं सर, बीजेपी अपना काम करेगी, वो उसका संगठन की रणनीति बनाए, हमारे सरकार की रणनीति हमारे मुख्यमंत्री जी तैयार कर रहे हैं, हमारे संगठन के अध्यक्ष जी तैयार कर रहे हैं। हमको क्या करना, जो राजस्थान को जो है आज पूरे देश में किसी भी राज्य में किसी भी मुख्यमंत्री ने इतनी बड़ी योजनाओं को जमीन पे नहीं उतारा, गरीब के घर तक नहीं पहुंचाया, उस गरीब के घर किसान के खेत तक नहीं पहुंचाया। 2000 यूनिट बिजली आज अप्रैल से 2000 यूनिट किसान के लिए फ्री कर दी, 100 यूनिट बिजली मकान के लिए ये फ्री कर दी, उसके बाद पेंशन वालों को 750 को सूद की 1000 कर दी, और उसके बाद प्रावधान क्या किया उसमें, ये किया कि इनको मांगने की जरूरत नहीं, हर हर साल 15% बढ़ते रहेंगे। बिल्कुल, तो कितनी बड़ी बात है, इतना सोच जिस मुख्यमंत्री का हो, इस महंगाई के दौर में एक तरफ भारत सरकार इतनी बड़ी महंगाई का भार जनता के ऊपर डाल दिया, ऐसे महंगाई के दौर में आदरणीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जो राजस्थान की जनता के और गरीब के सेवा करने का जो संकल्प दिया, 25 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर हुआ है, और राजस्थान के जो सभी अस्पतालों में प्राइवेट अस्पतालों तक भी ये व्यवस्था कर दी कि राजस्थान के नागरिक स्वस्थ रहे, मस्त रहे, इसी प्रकार धन के अभाव। जी जी बिल्कुल, ये थे मदन लाल जी, वर्तमान में पूर्व एमएलए है जो कि पूर्व जिला अध्यक्ष भी है, डग विधानसभा से काउंसलिंग करते हैं, और भी हम आगे जानकारी आपसे लेते रहेंगे। खबर 24 न्यूज पर धन्यवाद, और लगातार हम आशा करते हैं कि भवानी मंडी जिला विधानसभा सत्र में ये जिला बन जाए, क्योंकि जिला बनने से काफी जो है काफी लंबाई की दूरियां कम होगी, स्वास्थ्य लाभ में लाभ मिलेगा, आम लोगों को जनता को लाभ मिलेगा। धन्यवाद एमएलए साहब, और विकास बिल्कुल होगा सर, विकास भी होगा। थैंक यू। गुजर आरक्षण संरक्षक समिति के संयोजक स्वर्गीय कर्नल किरोड़ी सिंह बैसलाव बाबा साहेब की प्रथम पुण्यतिथि पर देवनारायण मंदिर पुष्पाल पर संपूर्ण समाज व 36 कौम के युवाओं ने भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। इस दौरान गुजर छात्र संगठन जिला संयोजक राहुल गुजर, सावलिया गुजर, देवेंद्र, सूरज, कालू, मुकेश, अभिषेक भोला, यश बलोदिया, मोहित योगी, श्याम योगी आदि उपस्थित रहे। सुनील, सरकार की जन कल्याणकारी उज्ज्वला योजना उपभोक्ताओं को 500 रुपये में सिलेंडर देने की घोषणा के बाद 1 अप्रैल से योजना लागू हो गई है, मगर उपभोक्ताओं को 500 रुपये में सिलेंडर उपलब्ध नहीं हो रहा है, इसको लेकर उपभोक्ता भटक रहे हैं। वही LPG डीलर भी अब असमंजस की दिखाई दे रहे हैं, जिसको लेकर उपभोक्ता LPG डीलर भी काफ़ी परेशान हो रहे हैं। राज्य सरकार के बजट के अनुसार 1 अप्रैल 2023 से उज्ज्वला उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर की रिफिल 500 रुपये में दिए जाने की घोषणा की गई थी, लेकिन योजना का प्रारूप तय नहीं होने की वजह से उपभोक्ताओं से फिलहाल सिलेंडर की पूरी राशि वसूली जा रही है। उज्ज्वला उपभोक्ताओं को भी सामान्य उपभोक्ता की तरह सिलेंडर की पूरी राशि अदा करनी पड़ रही है। गैस डीलर भी योजनाओं को लेकर असमंजस की स्थिति में है। राज्य सरकार के स्तर पर तय किया जाना है कि उपभोक्ताओं को किस प्रकार लाभ दिया जाना है। घोषणा के अनुसार उपभोक्ताओं को 1 वर्ष में 12 सिलेंडर रिफिल 500 रुपये में उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है। आने वाले दिनों में सरकार की गाइडलाइन बनने पर भी उपभोक्ताओं को लाभ दिया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा सभी उज्ज्वला उपभोक्ताओं का हमसे डाटा ले लिया गया है। अब ये राज्य सरकार को तय करना है कि उपभोक्ताओं को किस प्रकार लाभ दिया जाए। अभी हमें इस बारे में कोई आदेश नहीं मिला है। अभी उपभोक्ता से 1129 रुपये सिलेंडर की पूरी कीमत वसूल की जा रही है। जैसे ही राज्य सरकार इस बारे में कोई आदेश जारी करेगी, उसके बाद ही हम उपभोक्ताओं को लाभ दिला पाएंगे। सुनेल में दशहरा पर्व धूमधाम से मनाया गया। पिड़ाव मार्ग के BSNL ऑफिस के सामने दशहरा उत्सव के दौरान पुतला 10 सेकंड में जलकर राख हो गए। शाम को कस्बे में ऐतिहासिक राम मंदिर राजाधिराज रामचंद्र महाराज की पालकी गाजे बाजे के साथ छत्री चौक मेला विरान से होते हुए दशहरे मैदान में पहुंची। इस दौरान बीच में लोगों ने अपने घरों प्रतिष्ठान के सामने भगवान की पालकी की पूजा आदि की। भगवान राम की पालकी दशहरा मैदान में पहुँचने के बाद विधि विधान से रात करीब 8:30 बजे पुतले को आग लगाते हुए आतिशबाजी धमाके गूंज उठे। इसी दौरान पंचायत के द्वारा आतिशी नज़र पेश किए गए। आसमान में सतरंगी आतिशबाजी नज़ारे बिखरने लगे।
पुतला दहन आतिशबाजी देखने के लिए दशहरे मैदान में हजारों लोग एकत्रित हुए। रावण दहन के दौरान भारी पुलिस जाब्ता तैनात रहा। बैसोरा मंदिर। नवरात्रा के अंतिम दिन राम नवमी के अवसर पर नगर के नीलकंठ त्रिवेणी धाम मंदिर में छप्पन भोग का आयोजन रखा गया। मंदिर समिति के कथाधर्ता राकेश शर्मा ने बताया कि राम नवमी के उपलक्ष्य में मंदिर पर आकर्षक साज सज्जा करवाई गई। वहीं पंडित नितेश शर्मा द्वारा भगवान भोलेनाथ तपस्या रूपी सुंदर श्रृंगार किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सीमा राकेश यादव ने माता की चूना चढ़ाकर माता जी का स्वांग धारण किए हुए पांच कन्याओं के आरती उतार का मुंह मीठा करवाया। वहीं छप्पन भोग लगाकर मां आरती संपन्न हुई। इस शुभ दिन सवित्रा मित्र मंडल की संचालिका सविता घुटा के बेटे नैतिक का जन्मदिन होने पर मंदिर परिसर में ही केक काट कर जन्मदिन मनाया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में भी महिलाएं व आस पास के लोग मौजूद रहे। अंत में महाप्रसादी का वितरण हुआ। चौमेला विजयी रहे उम्मीदवार का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विजयी जुलूस निकाला, जिसमें जिला महासचिव संदीप सिंह बना, जिला मीडिया प्रभारी सलामत अली, फौजदार नरेंद्र सिंह झाला मकोड़िया सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नव अध्यक्ष सूरज कुंवर का पुष्प गुच्छ भेंट कर बधाइयां दी। मंदसौर जिले में प्रदेश स्तर, जिला स्तर व ब्लॉक स्तर में कांग्रेस द्वारा रखी गई शामगढ़ में सोमिला नाहटा प्रदेश कांग्रेस यूथ उपाध्यक्ष सहित ब्लॉक अध्यक्ष सोनू जायसवाल, विनय राजौरिया, वेहमन शर्मा, मोहन मालवीय, संग्राम सिंह सहित कांग्रेस के कई कार्यकर्ता द्वारा शामगढ़ के जायसवाल कृषि फार्म में रखी गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस जिले के कई विधानसभा क्षेत्र में राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने को लेकर सभी जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा राहुल गांधी को लेकर सवालों के जवाब दिए। प्रधानमंत्री मोदी लोकतंत्र का गला घोट रहे हैं, राहुल गांधी को निशाना बनाया जा रहा है। कांग्रेस द्वारा मीडिया से चर्चा करते हुए लोकतंत्र को बचाने की बात कही तो वहीं मीडिया के सवालों का जवाब देने में कतराते हुए दिखे। शामगढ़ में वार्ड नंबर 11 और 12 में सिनेमा रोड पर वार्डवासियों ने नगर अध्यक्ष कविता नरेंद्र यादव का फूल माला ढोल धमाकों से स्वागत किया। एक वार्डवासी हाथ में गंगा जल लेकर रास्ते में चारों तरफ छिड़क रहा था। वर्षों पुरानी लंबित मांग शराब दुकानें हटाने को लेकर जब से नगर अध्यक्ष कविता नरेंद्र यादव अध्यक्ष बने, महिलाओं ने हर समय दो या तीन बार ज्ञापन देकर उन्हें अवगत करवाया, जिस पर अध्यक्ष ने महिलाओं वार्डवासियों को आश्वासन दिया कि शराब दुकान 31 मार्च से वार्ड में संचालित नहीं होगी। इस क्रम में आज 1 अप्रैल को दुकान वार्ड में से हट गई, जिसे अध्यक्ष ने आज वहां से हटा दिया गया। वार्ड में सभी गलियां का निर्माण होने के बाद सड़क का डामरीकरण भी कर दिया गया। इसी से खुश होकर वार्ड नंबर 11 और 12 के रहवासियों दुकानदारों ने आभास स्वरूप आज दोपहर को नगर अध्यक्ष कविता नरेंद्र यादव पार्षदों का जोरदार स्वागत किया। खबरों में फिलहाल इतना ही, फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक बने रहिए खबर 24 न्यूज के साथ। मदर्स लैब, ए प्ले स्कूल, द फ्यूचर बिगिंस हियर। एडमिशन ओपन। नर्सरी, LKG, HKG। बेनिफिट ऑफ आवर क्लासेस, स्मॉल क्लास साइज, लविंग एंड केयरिंग एनवायरनमेंट, इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान, डेडिकेटेड टीचर एंड स्टाफ। 31 मार्च 2023 तक नवीन प्रवेश लेने पर 20% फीस में छूट। हमारे मोबाइल नंबर है 6378-22-8422, 9887-26-7439। हमारा पता है हनुमान जी के मंदिर, वृंदावन गार्डन के पास, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, भवानी मंडी, राजस्थान।